भगवान गए थे तब विदुरानी ने, विदुर जी गए बाजार कि चलो कुछ ले आवे, और अकेली विदुरानी थी तो भगवान के लिए वो आंगन लीप रही थी साफ सुथरा। आए भगवान, भगवान को देखती रही टुकुरु टुकुरु, कहाँ बिठाए तो चौकी पर बिठाया। भगवान से कहा प्रभु, भगवान ने कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाए भी क्यों दो। काकी जी बोली लाला अभी तो कछु ना है, मैं साग बनाऊं तो साग खाई लियो ना मैया, रुको ना जाए। तो क्या लाए तो बगीचे से पके पके केला तोड़ कर ले आई, और भाव में ऐसी डूब गई कि केला का छिलका तो छील कर फल तो फेंकने लग गई, और केले का क्या खिलावे लग गई, छिलका छिलका खवा रही है। और भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं, छिलके खा रहे हैं भगवान। अब देखो जगत का पालनहार जो 56 भोग छोड़ के आया है दुर्योधन का, वो जगत के पालनहार आज क्या खा रहे हैं, क्यों खाए बताओ। भगवान छिलका खाते हैं क्या, क्यों खाए छिलका, क्योंकि विदुरानी को पता ही नहीं था कि मैं क्या खिला रही हूं। वो तो ये भाव से खिला रही है कि ये फल है, इसलिए भगवान ने ये नहीं देखा कि ये फल है कि छिलका है, भगवान ने ये देखा कि भक्त के भाव में क्या है, उस भाव को ग्रहण किया, इसलिए भावग्राही जनार्दन। भगवान ने ये नहीं देखा कि ये छिलका है या फल है, भगवान तो ये टटोल रहे थे कि इस समय विदुरानी किस भाव में डूबी है, और वो इस भाव में डूबी थी कि मेरे घर भगवान आए मैं अच्छे से अच्छा खिलाऊं, और वो भाव में डूब गई, उन्हें ये नहीं पता था कि मैं छिलका खिला रही हूं। मतलब भगवान के प्रेम में ऐसे खो जाओ पता ना रहे कि क्या हो रहा, इसका नाम है भक्ति, इसका नाम प्रेम। क्या है इसका नाम, प्रेम, प्रेम है ये। श्री विदुरानी भगवान को छिलका खिला रही, तब तक साग भी खवाई, भतुए की साग, साग खवाया, और क्या रहा अब खाने पीने को। विदुर जी आए 56 भोग लेकर, ये खाओ। भगवान ने खाते हुए कहा काका जी जो स्वाद इन छिलकों में आया वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। ऐसे विदुर जी जो भगवान को छिलकों का भोग लगाते हैं, ऐसे विदुर जी जब भगवान परम धाम को गए और सुना कि भगवान चले गए, बहुत रोए विदुर जी।